study with me, a learning experience. Students, इस question में हमें given है एक circle और एक angle given है. हमने इस एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जो कि ऐसे पॉइंट पे मिलें जहां पे एंगल एंगल MNS के इक्वल हो. सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट A ले लेते हैं सर्कमफ्रेंस के ऊपर और इसको पॉइंट O से मिला लेते हैं. अब हम अपना कंपास ओपन करते हैं जितना ये साइड पे एंगल खुला हुआ है और इतना ही हम लोग लाइन OA के ऊपर आर्क ड्रॉ कर लेते हैं. अब हम लोग एंगल मेजर करते हैं जिसका प्रोसीजर यहाँ से ओपन करने का है और इतना ही एंगल हम लोग इसके ऊपर काट लेते हैं. अब हम पॉइंट ओ को मिला लेते हैं इस पॉइंट के साथ जो कि सर्कमफ्रेंस को पॉइंट सी के ऊपर जाके मिल रहा है और ये दो एंगल बराबर हो गए हैं. अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट सी ओ को प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि हमारा डायमीटर बन जाए. दूसरी साइड पे हमें पॉइंट बी मिल गया. ये एंगल कितने का होगा, एंगल इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी ओ ए, क्योंकि एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उन टोटल का सम 180 होता है. अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यानी कि पहला टेंजेंट बनाने वाले हैं. यहाँ से हम लोग ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस आर्क के ऊपर बारी बारी दो आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे. पहले कंपास को यहाँ रखा, अब यहाँ रखा, अब बारी बारी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आर्क कंपास को रख के बाहर की तरफ एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे. ये पहली आर्क, ये दूसरी आर्क, इन दोनों पॉइंट्स को हम पॉइंट ए के साथ मिला लेंगे और एक्सटेंड कर लेंगे दोनों तरफ. तो ये हमारे पास पहला टेंजेंट बन गया ए डी. बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग अपना दूसरा टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट बी ई. ये दोनों टेंजेंट्स जहां पर मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं पॉइंट पी. अब देखें तो ये दोनों टेंजेंट जहां पे मिल रहे हैं उस टेंजेंट एंगल का नाम बन रहा है एंगल बी पी ए और वो एंगल बराबर है हमारे गिवन एंगल एम एन एस के. कैसे, ये भी साबित करना है हमने. तो आप ये देखें कि ये दोनों एंगल मिलके बन रहे हैं 180 डिग्री. बड़ी अजीब बात है, एक बड़ा छोटा एक बहुत बड़ा, तो हमें ये कैसे पता लगा कि ये दोनों मिलके 180 डिग्री बन रहे हैं. आपको अभी समझाता हूँ, आपको रिवाइज करा लूँ कि आपको याद हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसकी चार साइडें हों उसके अंदर के चारों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. अब हमारे इस केस में हमें कैसे पता लगा कि बाकी की दो साइड्स क्या हैं, हमने खुद ड्रॉ की थी 90 और 90, टोटल 180 डिग्री की. तो ये जो हमारी दो साइड हैं ये मिल रही हैं 180 डिग्री की, ये बाकी दो. नेक्स्ट, ये आपको देखने के पता लग रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी. ये हम लोगों ने ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया है. स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ये वाला एंगल कितने का है जो ब्लू से शो कर रहे हैं, ये और रेड वाला मिलके 180 था. तो इसकी मदद से हम लोगों ने निकाल लिया कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ ए. तो अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं. इन दो इक्वेशंस की मदद से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ ए, जो कि आपको मैंने ब्लैक और ब्लू से ड्रॉ करके दिखा दी है. और ये दोनों इक्वल हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन एस के, हमारा गिवन एंगल के इक्वल, क्योंकि हम लोगों ने ये ड्रॉ ही उसी को देख कर की है. अब ये प्रूव हो गया कि ये दो टेंजेंट जहाँ पे मिल रहे हैं वो एंगल इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन एस है. उम्मीद है आपको ये क्विक वीडियो पसंद आई होगी.